होली के त्योहार को लेकर खोयाबाद का बाजार भी गुलजार हो गया है। होली के रंग और पिचकारियों पर भी मेड इन चाइना की खुमारी देखने को मिल रही है, जो दीपावली पर बम पटाखे देखे जाने वाले होली के त्योहार पर देखे जा रहे हैं। ये पटाखे रोशनी और आवाज नहीं करते, बल्कि सात रंगों की छटा बिखेरते हैं और लोग उनकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। होली का त्योहार हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व रखता है, जिसको लेकर बुधवार को फिरोजाबाद के बाजार में काफी रौनक देखने को मिली। खाने पीने के सामान से लेकर होली की पिचकारी और रंग लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि पिछले साल की अपेक्षा मेड इन चाइना ने होली पर आतिशबाजी पटाखे को बाजार में उतारा है। ये पटाखे रोशनी और आवाज नहीं करते, बल्कि आसमान में सात रंगों की छटा बिखेरते हैं और पिचकारियों पर भी नए तरीके की, जो बच्चों के मन को लुभाने वाले मोटू पतलू और कई प्रकार की पिचकारियां देखने को मिल रही हैं। नया मिलता है होली के त्योहार में कुछ विशेषताएं हैं। ये त्योहार भारत, उत्तर भारत में बहुत प्रचंडता से मनाया जाता है और इसकी खास विशेषता ये है कि हम दूसरे पे रंग मलते हैं, है उसके कपड़ों पे इस तरह के गुलाल फेंकते हैं, भिगोते हैं, तो भी उसको इसका आनंद आता है, तो यही इस त्योहार की विशेषता है। नहीं, इस बार ये देखा जाता है होली के त्योहार पर अधिकांश जैसे लोग अपने चेहरे को छुपा करके तरह तरह के जो मन किए हैं और ये बाजार में देखने को मिले उसे लगा करके एंजॉय करते हैं। क्या इस तरह से कोई भी चीज जो नॉर्मल से हटकर होती है उसको आदमी एंजॉय करता है, सीधा सा बात है। जो आमतौर पर हम व्यवहार करते हैं या आमतौर पर जैसे हम रहते हैं, उससे जब भी हम हटकर कुछ भी काम करते हैं उसमें जीवन का आनंद प्राप्त होता है, यही इस त्योहार की विशेषता है। हम संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, जो होली का त्योहार, कल होली का त्योहार है, खरीदारी कर रहे हैं, तो किस तरह की पिचकारियां और रंग देखने को मिल रहे हैं? काफी टाइम है, काफी दिनों बाद अच्छी पिचकारी आई हैं, मोटू पतलू वगैरह की बहुत सारी आई हैं इसमें, जैसे बच्चे पसंद करते हैं इस चीज को, उस पर्पज से हैं। अच्छा, इस बात देखा जा रहा है होली के त्योहार पर एक पटाखे दिख रहे हैं जो कि दीपावली पे दिखते हैं। जी जी, वो पहली बार, बहुत पहली बार देखा है मैंने ये, और ये तो भाई साहब बता रहे हैं इसमें कलर्स वगैरह निकलते हैं, ये बढ़िया पटाखे हैं, इसलिए ये लोग बता रहे हैं ये चीज। मेड इन चाइना ने होली के रंगों पर भी अपनी रंगत दिखा दी है। खैर, जो भी हो, हैक्स न्यूज की तरफ से आपसे यही विनती है, आप अच्छे से होली के त्योहार को मनाएं और जीवन में सतरंगी बनें। मेरा नाम अमित कुमार प्रजापति। अमित कुमार, जो होली का त्योहार कल का है और दुकानदारी भी खूब अच्छी खासी हो रही है, इस बार ये देख क्या नया देखने को मिल रहा है कि इस बार मार्केट में ग्राहकों के लिए होली के अवसर पर बहुत अच्छे तरीके की पिचकारियां, मोटू पतलू वाली, एयर पिचकारी, पंप वाली, अंकल चिप्स वाली पिचकारी, एंग्री बर्ड्स वाली पिचकारी और कुछ खास देखने के लिए चाहिए तो उस टाइप के पटाखे वगैरह आए हैं जो दिवाली पे आते हैं, जैसे कि चटाई। चटाई जो है उसमें कई तरीके के कलर हैं, उसको जैसे माचिस से जलाओगे तो कई तरीके के गुलाल निकलेंगे। एक सीता गीता आती है, उसमें सात तरीके के गुलाल आसमान में फैलेंगे और सातों तरीके में खुशबू आएगी, अलग अलग कलर के गुलाल होंगे वो। तो ये क्या चाइना के है, चाइना के ये आइटम होंगे, क्या किस तरह के हैं? तो ये चाइना के, पर इससे किसी को कोई हानि नहीं है, बच्चे इसको बहुत इंजॉयमेंट के साथ ले जा रहे हैं, काफ़ी तादाद में ये बिकने हैं मार्केट में, बहुत अच्छी सेल है इनकी।